हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिनों हम एक अजीब से दौर से गुज़र रहे हैं। जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, वो सब बातें सच हो रही हैं। हर तरफ एक अजीब सा माहौल हो गया है। जिस काम को करके खुशी मिलती थी, पता नहीं अब उन कामों में भी मन नहीं लग रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद, या कह लीजिए मन को समझाने के बाद, मुझे लगा कि कुछ DIY किया जाए, शायद इसी से मन कुछ अच्छा हो जाए। गार्डनिंग के बाद ये मेरा दूसरा पैशन है, तो फिर घर में ही जो सामान थे, मैंने उन्हीं में से कुछ बनाने का सोचा। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या और कैसे बनाया। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक का कंटेनर था। ये जो ब्लैक है, ये थोड़ा मैट फिनिश में है, और इसी वजह से ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, और मैंने इसको रख दिया था कि कभी इसका कुछ मैं बनाऊंगी। तो अभी जब हम लॉकआउट के इस पीरियड में घर में बैठे हैं, तो मैंने इसी को लिया और फिर मैंने इससे एक प्लांटर बनाने की कोशिश की है, डेकोरेटिव प्लांटर। इसके अंदर हम प्लांट्स रख करके इसको हम अपने घर में सजा सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस कंटेनर में चॉक से ड्रॉ कर लिया है डिज़ाइन। तो इसके एक साइड में मैंने भरा हुआ डिज़ाइन रखा है, जबकि दूसरे साइड में मैंने एक पतली सी बॉर्डर भर बनाई है, ताकि हम इसको जब दोनों अलग अलग साइड में जब रखें, तो हमको दो डिज़ाइन एक साथ मिल जाएं। ये एक साइड इसका बोहेमियन स्टाइल में है थोड़ा सा, और इसका जो ऊपर का पोर्शन है, उस पर मैं जूट की जो रस्सी होती है, उससे मैं कुछ यहाँ डिज़ाइन बना दूँगी, जिससे ये और अच्छा लगने लगेगा। डिज़ाइन को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ गोल्डन कलर चुना, क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है, और 0 नंबर के ब्रश से मैं इस तरह इसके लाइंस जो हैं वो धीरे धीरे बनाने लगी। और फिर मैं इसके दूसरे तरफ जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी, उस पर भी मैंने गोल्डन कलर से ही लाइंस बनाने शुरू किए। एक बार ये लाइंस बनाने के बाद मैंने उसको सूखने दिया, और फिर फिनिशिंग के लिए मैंने उसके ऊपर दोबारा से फिर ब्रश चलाया कलर के साथ में, जिससे उसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए। पूरे कंटेनर में डिज़ाइन को बना लेने के बाद, मैंने जो कंटेनर के ऊपरी पोर्शन है, उसमें ग्लू गन की सहायता से जूट की रस्सी को इस तरह से लपेट दिया। जूट की रस्सी को मैंने, देखिए, इस तरह से पूरे ढक्कन वाले हिस्से में लपेट दिया। और उसके बाद में मैंने जूट की रस्सी के ऊपर में, मेरे पास में कुछ मल्टी कलर के पॉम पॉम पड़े हुए थे, उनको मैंने ग्लू गन की सहायता से यहाँ चिपका दिया, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, उससे कुछ इस तरह के DIY बनाने की, इससे मन थोड़ा आपका भी अच्छा हो जाएगा। अपनी बनाई हुई चीज़ों को देखने के बाद, या अपना क्रिएशन देखने के बाद, हमें खुशी ही मिलती है।
और फाइनली मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ये देखिए मैंने इस तरह यहाँ पूरी पेंटिंग की, और उसके बाद बीच में भी मैंने देखिए यहाँ जूट की रस्सी को इस तरह से ग्लू गन की मदद से चिपका दिया। इसे मैंने एक डेकोरेटिव प्लांटर के रूप में यूज़ किया है। आप चाहे तो इस तरह की कुछ DIY बनाकर उसे ऑर्गेनाइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस बीच मैं आपसे कुछ अपने DIY ही शेयर करूँगी, तो आप प्लीज़ देखते रहिएगा। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले DIY वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे। बाय बाय।